कब, जब जीवन में भागवत की कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है, जब जीवन में भागवत की कथा सुनने का मौका हमें मिलता है तब। अब आप लोग मुझे बताइए, कितने बार भागवत सुन चुके हो आप? कितने बार भागवत सुनी आपने? सुनी तो है ना, सबने सुनी है? सिर तो हिला दीजिए, सबने सुनी है। कितने बार सुनी है? कई बार। भागवत किसे कहते हैं? भागवत क्या है बता सकते हैं आप मुझे? आप सभी ने कई बार भागवत सुनी है, कई बार सुनी है, हर बार सुनते होंगे, टीवी पे भी सुनते होंगे, चैनल पे कथा, फिर नगर में ही कहीं होती है तो जाके सुनते होंगे। तो भागवत है क्या? सुनते तो आप सब हैं, अच्छे श्रोता हैं। श्रोता की पहचान तो 10 मिनट में हो जाती है, तो श्रोता तो अच्छे हो आप। पर भागवत क्या है? यदि सुनी है तो भागवत क्या है? मालूम है? मालूम होगा, जब मैं बताऊंगी तो याद आ जाएगा। भागवत, भा का अर्थ है भक्ति, भा मतलब भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा मतलब होता है वैराग्य, और ता का अर्थ है त्याग एवं तपस्या। जिस कथा को सुन करके भक्ति की प्राप्ति हो, जिस कथा को सुन करके निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो, सरस और सरल ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस कथा को सुन करके वैराग्य की प्राप्ति हो, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ना, वैराग्य का मतलब है कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाना ही वैराग्य है। तो जिस कथा को सुनकर के भक्ति मिले, जिस कथा को सुनकर के ज्ञान मिले, जिस कथा को सुनकर के वैराग्य अर्थात कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में अनुराग उत्पन्न हो, और ता का अर्थ है त्याग एवं त्याग मतलब तपस्या, जिस कथा को सुनकर के तपस्या और त्याग करने की क्षमता जीवन में आए, उसे कहते हैं भागवत। पता चला? क्लियर हो गया कि नहीं? हुआ ना कि भागवत क्या है? जब 7 दिन, वैसे भागवत जी सप्ताह ज्ञान यज्ञ से कहते हैं, यहां पर सौभाग्य है कि 9 दिन की भागवत की कथा हम सुनेंगे। तो भागवत, भक्ति मिले इन 9 दिनों में, जो एक व्यक्ति है यदि डूब के भागवत की कथा सुन ले तो वो भक्ति की रसधारा में डूब जाता है। भक्ति, ज्ञान, सरस ज्ञान की प्राप्ति होती है भागवत की कथा सुन करके, एकदम सरल सहज, कोई विद्वानों वाला योगियों वाला ज्ञान नहीं, सरल ज्ञान, सहज ज्ञान, निर्मल ज्ञान। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य मतलब कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, और त्याग करने की भावना एवं तप करने की भावना जीवन में आती है, उसे कहते हैं भागवत। भागवत का एक अर्थ ये है। अब भागवत का एक अर्थ और है, बताऊं? सुनना है या नहीं? सुनना है। भागवत का दूसरा अर्थ, तो भागवत का दूसरा अर्थ, हम भागवत को कहते हैं श्रीमद् भागवत। तो इसका दूसरा अर्थ है, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी, मद का अर्थ होता है घमंड,
और भागवत मतलब होता है भाग जाए। जिस कथा को सुन करके लक्ष्मी का घमंड भी भाग जाए उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत, वो है श्रीमद् भागवत। तो ऐसी पावन कथा सुनने के लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए। तिथि भी पावन, नौमी तिथि, अक्षय तिथि, रामनवमी, आज अष्टमी नौमी एक साथ है, दो तिथियां एक साथ, वो भी बहुत अच्छी बात है। अष्टमी तिथि में ठाकुर जी आए और नौमी तिथि में राम जी आए। तो ऐसे पावन समय में आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि भागवत क्या है। अब हमें आगे चलना चाहिए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण के अनेक दिव्य स्वरूपों का वर्णन वेद व्यास जी ने किया। तो श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में वेद व्यास जी प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, पहला श्लोक भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपायो, सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम् नमः। महात्म का प्रथम श्लोक वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपायो, जो पार ब्रह्म परमेश्वर, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद सत चित और आनंद है, अर्थात सच्चिदानंद है। सत का अर्थ होता है कृष्ण सत्य स्वरूप है, चित का अर्थ होता है कृष्ण चैतन्य है, और आनंद का अर्थ होता है कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, इसलिए कहा गया सच्चिदानंद। सत का अर्थ है सत्य, व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना जरूरी है, क्योंकि सत्य को एक बार ढका जा सकता है, सत्य को एक बार छिपाया जा सकता है, लेकिन आप सोचो कि हम सत्य को नष्ट कर दें तो सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन सत्य को पराजित मतलब हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की सदैव जय होती है, सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य की सदैव जीत होती है। तो कृष्ण सत्य स्वरूप है, इसलिए कहते हैं शास्त्रों में मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा, सत्य के जैसा, सत्य की तरह दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य का अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए एवं सत्य बोलना चाहिए। सत्य जीतता है, व्यक्ति के जीवन में सत्य हो और होना ही चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप खुद मानेंगे इस बात को कि एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। बोलने पड़ते हैं या नहीं, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, मान लीजिए आप केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं,
उसी समय आपके घर के सामने जो आपका पड़ोसी रहता है उसने कहा कि भाई साहब जब आप जाओ तो हमें भी ले चलना, पर आपको सिर्फ अपने परिवार के साथ जाना है, आप नहीं चाहते कि कोई पड़ोसी या कोई अगल बगल वाला हमारे साथ जाए, हमें सिर्फ हमारी फैमिली के साथ जाना है, आपकी ये सोच है। तो आपने उस सामने वाले व्यक्ति से कह दिया कि भैया हम तो जा ही नहीं रहे, लेकिन उसी डेट पे आप चले गए केदारनाथ। अब जब आप गए तो आपने दर्शन किया, घूम रहे हैं, लेकिन आपका मन घूमने में और दर्शन में नहीं लगा, आपका मन किस में लगा है? पड़ोसी में, कि कहीं वो आ गया और उसने आके देख लिया तो हम तो झूठे पड़ जाएंगे। होता है ऐसा? ये बिल्कुल सत्य बातें हैं, प्रमाणित है, ऐसा सबके साथ होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम झूठ ना बोले, सत्य कह दें, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति को 100 झूठ अलग से बोलने पड़ते हैं। उससे अच्छा तो ये है कि हमने जो किया सो किया, हम कह दें कि हाँ किया या नहीं किया तो नहीं किया। व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरी बात, अब यहां बात तो आती है कि सत्य बोलो, लेकिन सत्य होता है कटु। कहते हैं ना कटु सत्य, या सत्य होता है कड़वा। तो इसमें एक बात का ध्यान रखो कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हम सत्य तो बोले लेकिन वो सत्य भी कैसा हो, कटु ना हो, कड़वा ना हो, सत्य भी प्रिय हो, मीठा हो। क्यों? अब आपने किसी सामने वाले व्यक्ति से गुस्से में आके सत्य तो कह दिया, लेकिन आपके सत्य को सुन करके मान लीजिए उसे हार्ट अटैक आ गया और वो चला गया, तो ऐसा सत्य किस काम का जिस सत्य को सुन करके किसी के प्राणों की हानि हो। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि हम सत्य बोलें, लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी मीठा हो, सत्य भी प्रिय हो, किसी के कानों में लगे ना, किसी को चुभे ना, किसी को पीड़ा ना दे, किसी को दर्द ना दे, सत्य भी प्रिय होना चाहिए, शास्त्र में ये कहा गया। तो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चले, सत्य बोले, असत्य का अनुकरण ना करे। भागवत में कहा गया सच्चिदानंद रूपायो, भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है, कृष्ण को सत्य कहा गया, सत्य, इसलिए कृष्ण सत्य स्वरूप है। हम जब जीवन में सत्य को धारण कर लेंगे तो फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। यदि जीवन में सत्य है तो कृष्ण है, पर अब ये सुन के जो पूजा पाठ करते हैं वो बंद मत करना। आप करते हो बहुत अच्छी बात है, जितनी अधिक हो सके उतनी ही करनी चाहिए, लेकिन हाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, और ऐसे लोग यदि एक बार पूजन ना भी करें तो चल जाएगा। सत्य का अनुकरण करें, सत्य मार्ग पर चलें, सत्य बोलें, प्रिय बोलें, कृष्ण सत्य स्वरूप है, कहा गया सच्चिदानंद सत्य, कृष्ण सत्य स्वरूप है। आगे कहा गया चित, अब चित का अर्थ होता है चैतन्य, चित मतलब चैतन्य। देखिए ये तीनों सत, चित और आनंद, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सत मतलब सत्य, चित मतलब चैतन्य। जब आपके जीवन में सत्य आएगा तो चैतन्यता आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। जब आप सत्यभासी रहेंगे, सत्यभासी बने रहेंगे, तो चैतन्यता अपने आप आएगी, और जब चैतन्यता आ जाएगी तो आनंद, आनंद कहते हैं कृष्ण को,
जब सत्य होगा तो चित चैतन्यता आएगी, और जब चैतन्यता आ जाएगी तो आनंद मतलब कृष्ण को अपने आप आना ही पड़ेगा। तो जो पार ब्रह्म परमेश्वर सत्चित और आनंद है, सच्चिदानंद है, विश्व की और सारे संसार की विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व की रचना करते हैं, विश्व के रचयिता हैं, विश्व को बनाने वाले हैं, विश्वोत्पत्त्यादि उत्पत्ति रक्षा भी करते हैं। कैसे? जिस प्रकार से एक माता पिता अपनी संतान की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है, जिस प्रकार से एक गौ माता अपने बछड़े की रक्षा करती है, जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी की और पत्नी अपने पति की रक्षा करती है, उसी प्रकार से वे कृष्ण हम सब की रक्षा करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और विश्व की रक्षा करते हैं। उत्पत्ति मतलब विश्व को बनाते हैं, विश्व के रचनाकार हैं, रचयिता हैं, सृजनकर्ता हैं, बनाने वाले हैं, रक्षा करते हैं। और समय आने पर वही कृष्ण इस संपूर्ण विश्व का विनाश भी कर देते हैं। आगे वेद व्यास जी ने लिखा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। तापत्रय विनाशाय, जो कृष्ण तीन प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। भागवत जी में तीन प्रकार के ताप बताए गए, मानस में भी तीन प्रकार के ताप हैं, और ताप का अर्थ होता है कष्ट। ताप मतलब परेशानियां, दुख, पीड़ाएं। व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार से कष्ट आते हैं। भागवत जी के अनुसार आदिदैविक, आदिदैहिक और आध्यात्मिक। दैविक मतलब दैव बसात जीवन में आने वाले कष्ट, मतलब भाग्य के कारण जीवन में जो कष्ट आते हैं उन्हें कहा गया दैविक। फिर आया दैहिक। दैहिक मतलब शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट, जैसे फीवर आया, शरीर को कष्ट हुआ, वो ठीक हुआ तो कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो शरीर को चोट लगी, वो शरीर से उत्पन्न होने वाला कष्ट। फिर मान लीजिए कोई फीवर चल रहा है, जैसे डेंगू, वो हो गया, मलेरिया, पीलिया, यानी शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट। तो दैविक भाग्य के कारण जो कर्म किए हैं उनके कारण हमें जो फल भोगना पड़े दैविक, दैहिक जो शरीर से उत्पन्न हो, और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ होता है कि संसार से मिलने वाले कष्ट। भागवत में तीन प्रकार के ताप बताए गए, और रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने भी तीन प्रकार के तापों का वर्णन किया। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, दैहिक दैवेक भौतिक का
तुलसी ने भी तीन प्रकार के तापों का वर्णन किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? तापत्रय विनाशायो, इन तीन प्रकार के तापों का विनाश करने वाले। देखिए सतयुग में ये तीन प्रकार के ताप थे, लेकिन सतयुग में तापों से बचाने के लिए नारायण थे। फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में ये तीन प्रकार के ताप थे, त्रेता युग में तापों से बचाने वाले राम जी थे। फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग में तापों से बचाने वाले भगवान कृष्ण थे। और अब जो चल रहा है वो है कलयुग। अब कलयुग में ना नारायण है, ना राम जी है, ना कृष्ण जी है, तो बताइए कलयुग में तापों से कौन बचाएगा? कलयुग में तापों से बचाने वाला कौन? कौन पता है आपको कलयुग में तापों से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? भगवान का नाम। कलयुग में तापों से बचाने के लिए प्रभु ने या संतों ने या विद्वानों ने एक बहुत सरल मार्ग बताया है, और वो मार्ग है कलयुग केवल नाम आधारा, जानी ले जो जाननी हारा। कलयुग में एकमात्र साधन और वो है भगवान का नाम। सतयुग में रामचरितमानस का अध्ययन यदि आप लोगों ने किया है या सुना है तो आपको पता होगा कि मानस में बाबा तुलसी ने लिखा, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। सतयुग में घंटों बैठ के पूजा करनी पड़ती थी। अब घंटों मतलब एक दो घंटा नहीं, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे बीत जाते थे तब भगवान मिलते थे, और कभी कभी तो नहीं मिलते थे। फिर मख विधि दूजे, जब त्रेता युग आया तो भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होने लगी। मख मतलब यज्ञ, पहले युग में पूजा, दूसरे युग में यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करो तब भगवान मिलते थे। द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, फिर आया द्वापर, द्वापर में तप करने पर भगवान मिलते थे। चलिए ठीक है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इतने सामर्थ्यवान लोग थे कि बड़े बड़े यज्ञ भी कर सकते थे, पूजन भी कर सकते थे और तपस्या भी कर सकते थे। लेकिन जिस युग में आज हम हैं कलयुग, इस कलयुग में हमारे पास 10 मिनट नहीं है पूजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, यज्ञ की बात तो छोड़ो, तो कलयुग में कल्याण कैसे संभव है? तो बाबा तुलसी लिखते हैं, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नरोत रही पारा। कलयुग में उद्धार संभव है ऐसे नाम से। जो बात मानस में बाबा तुलसी ने लिखी है, भागवत में वो बात वेद व्यास जी लिखते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा, ना योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलं नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, यत् फलं नास्ति तपसा, जो फल तप करने से नहीं मिलता, ना योगेन समाधिना, जो फल समाधि लगा करके बैठने से भी नहीं मिलता, तत्फलं लभते सम्यक्, वह फल मिलता है कलयुग में कैसे? कलौ केशव कीर्तना, कृष्ण के नाम का सम्यक कीर्तन करने से वह फल मिलता है।
अब कीर्तन तो समझ गए आप, पर कीर्तन के आगे लगा दिया गया सम्यक कीर्तन। अब ये सम्यक क्या है? तो सम्यक का अर्थ होता है मन और बुद्धि को एकाग्र करके किया गया कीर्तन सम्यक कीर्तन कहलाता है। तो कलयुग में केशव का कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति के ताप, व्यक्ति के कष्ट, व्यक्ति की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। कलयुग में नाम का प्रभाव है। बंगाल में एक बहुत बड़े संत हुए, गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। और जब चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की तो शांति नहीं मिली, और जब शांति नहीं मिली तो अंत में सारे ग्रंथ गंगा में, यमुना में विसर्जित कर दिए, बहा दिए। और बहाने के बाद एक सरल मार्ग निकाल लिया शांति की प्राप्ति के लिए, और वो मार्ग था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसे हम कहते हैं महामंत्र। ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने संसार को दिया, कि सैकड़ों ग्रंथ लिखे संस्कृत में, विद्वानों की भाषा में, देववाणी में, पर शांति नहीं मिली। और जब शांति नहीं मिली तो एक महामंत्र अपने जीवन में उन्होंने धारण कर लिया, शांति मिलने लगी। प्रभु के नाम से उन्होंने अपने जीवन को बनाया। प्रभु के नाम से कितने तर गए। भगवान ने तो एक या दो लोगों को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों लोगों को तारा। ऐसा कहती है रामचरितमानस, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, राम ने तारा एक तपस्विनी को, अर्थात अहिल्या को। लेकिन राम के नाम ने नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम के नाम ने करोड़ों मूर्खों की बुद्धि को सुधारा। ये प्रभु के नाम का प्रताप और प्रभाव है। इसलिए जब कलयुग में हम आए हैं, कलयुग में ये शरीर हमें मिल ही गया है, तो सारे कार्यों को करते हुए एक नियम जीवन में जरूर लें कि भगवान के नाम का स्मरण हम करेंगे, हम कीर्तन करेंगे। हम यज्ञ नहीं कर सकते, हम बड़ी बड़ी विधियां नहीं अपना सकते, हम कर्मकांड और ज्ञान कांड को नहीं समझ सकते, लेकिन हम नाम ले सकते हैं और नियम बनाएं कि जीवन में सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। नियम छोटे बनाने चाहिए, हजारों नियम ना हो, जीवन में नियम एक हो, और वो एक नियम ऐसा हो कि जीवन भर हम उसे चला सके। बार बार बदले ना, बार बार तोड़े ना, नियम एक हो, छोटा हो, लेकिन ऐसा हो कि जिंदगी भर जब तक मर ना जाए वो नियम हमारे जीवन में बना रहे। तो एक नियम जीवन में कि हम 5 मिनट, ज्यादा समय दे सकें तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य करेंगे। बैठ के कीर्तन करना है। अब वो आप माला लेके करें तो जाप बन जाएगा, माला लेके मन नहीं लगता तो ऐसे ही बैठ के करें कीर्तन की तरह, फिर धीरे धीरे मन लगेगा तो जाप होने लगेगा। पर कीर्तन करें जरूरी है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो आइए उस क्षण के लिए हम सब भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। सभी गाएंगे भाव से,
ताली सेवा करते हुए और वाणी के सहयोग के साथ सभी गाएं। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि Shabbat
तो भागवत जी में एवं श्री रामचरित मानस में नाम की महिमा पर विशेष रूप से जोर देकर के बताया गया कि नाम का बड़ा महत्व है। आगे कथा आती है नैमी सारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र में एक हजार वर्ष में पूर्ण होने वाले एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धूम्र से संसार का वातावरण पवित्र हो रहा था। दूसरे तरफ एक दिव्य आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी मां की गोद में बैठे हुए थे और 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से उस यज्ञ क्षेत्र में निवेदन किया। देखिए, व्यक्ति को यज्ञ जरूर करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि यज्ञ तो करना चाहिए, लेकिन यज्ञ करने का सामर्थ्य भी तो हो। यज्ञ में धन भी लगता है, यज्ञ में तन भी लगता है, यज्ञ में बहुत कुछ लगता है। तो यज्ञ करना तो चाहिए, पर यज्ञ करने का सामर्थ्य हो। भागवत तो ये तक कहती हैं कि शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को प्रतिदिन 5 यज्ञ करने चाहिए। अब बताइए, एक यज्ञ करना संभव नहीं है, एक यज्ञ करना संभव नहीं है, हम 5 यज्ञ कैसे कर सकते हैं? पर शास्त्र तो कहते हैं कि प्रतिदिन यज्ञ करो और 5-5 यज्ञ करो। कैसे? तो 5 यज्ञों के नाम बताए गए और गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उन्हें तो प्रतिदिन ये यज्ञ करने चाहिए। आखिर वे कौन से यज्ञ हैं? तो बताया, अध्यापनं ब्रह्म यज्ञः पितृयज्ञ स्तुतर्पणम् होमो देवो बलिर्भूतो नयज्ञो अतिथि पूजनम्। पहला यज्ञ बताया गया अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः। पहला यज्ञ अध्यापन, अध्ययन जिसे हम कहते हैं, करना चाहिए और कराना, पढ़ना और पढ़ाना। यदि हम स्वयं एक विद्यार्थी हैं, एक छात्र हैं, तो हम कोई छोटा कार्य नहीं कर रहे, हम यज्ञ कर रहे हैं। और यदि हम पढ़ा रहे हैं, मतलब शिक्षक हैं, अध्ययन करा रहे हैं, तब भी हम कोई छोटा कार्य नहीं कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं। मतलब अध्ययन करना और अध्ययन कराना, दोनों कार्य यज्ञ माने गए। ये मैंने, ये शास्त्र कहते हैं, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः पितृयज्ञ स्तुतर्पणम्। दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, मतलब माता पिता को भोजन कराना, पितृयज्ञ। जब माता पिता जीवित हैं तो हम उन्हें अपने हाथ से खिलाएं। कब? जब वे बूढ़े हो जाएं। जब हमारा जन्म होता है, हम छोटे से बच्चे रहते हैं, तो ना हमसे बोलते बनता है, ना खाते बनता है, ना चलते बनता है, ना उठते बनता है, ना बैठते बनता है। उस स्थिति में हमारा ध्यान रखने वाले हमारे माता पिता। आपने गंदगी की साफ करेगी माँ, आपको भूख लगी भोजन कराएगी माँ या पिता। मतलब यही स्थिति माता पिता की हो जाती है वृद्धावस्था में।
वृद्धावस्था में उनसे भी खाते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, बोलते नहीं बनता। तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम ऐसे थे, मतलब हम बच्चे थे, जब हमसे खाते, चलते, बोलते, पहनते, नहाते, धोते नहीं बनता था, तब सब ये करते थे माता पिता। अब वो स्थिति माता पिता की है तो अब उनकी हमें सेवा करनी। जब वो जीवित हैं, वृद्धावस्था आ चुकी है, खाते नहीं बन रहा, तो अपने हाथ से खिलाओ। और यदि उनका प्राणांत हो गया है, माता पिता शांत हो गए हैं, तो उनके लिए पिंडदान और श्राद्ध की क्रियाएं बच्चों को करनी चाहिए। ये श्राद्ध और पिंडदान की बातें आज लोग सोचते हैं कि ये कोरी बातें हैं, कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऐसा सोचते हैं वो पागल है, क्योंकि रामचरितमानस में कथा आती है कि जब राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए, तो राजा दशरथ की मृत्यु के बाद राम जी ने ऋषि मुनियों का एक दिन अपनी कुटिया में निमंत्रण किया भोजन के लिए। माँ सीता भोजन परोस रही थी। अचानक बीच में माँ सीता कुटिया के भीतर जाकर के बैठ गई। उस समय राम जी पहुंचे, देखा तो सीता मैया बैठी हुई थी। राम जी ने सीता मैया से पूछा कि देवी, इस समय आपको कार्य करना चाहिए, तो आप यहाँ पर बैठी हैं क्यों? सीता मैया ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, ऋषि मुनियों के बीच में मैंने पिता दशरथ को भोजन पाते हुए देखा, और मैं नहीं चाहती कि पिताजी मुझे इस अवस्था में देखें। यदि वे देखेंगे तो उन्हें कष्ट होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दशरथ जी की मृत्यु के बाद भी वे उस भोजन को पाने के लिए आए। एक कथा मानस में ये आती है, और एक कथा आती है महाभारत में, जब भीष्म पितामह ने पिंडदान किया तो शांतनु के, मतलब भीष्म पितामह के जो पिताजी हैं महाराज शांतनु, उनके हाथ ने आकर के भीष्म पितामह के द्वारा किए गए उस पिंडदान को स्वीकार किया। तो जब माता पिता जीवित हैं तो उन्हें हम भोजन कराएं, और जब प्रकृति के नियम के अनुसार यदि उनका प्राणांत हो गया है तो हम उनके लिए पिंडदान और श्राद्ध आदि क्रियाएं कराएं, करना चाहिए। तो पहला यज्ञ अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पढ़ना और पढ़ाना यज्ञ है। पितृयज्ञ स्तुतर्पणम, माता पिता के लिए पिंडदान करना यज्ञ है। होमो देवो, तीसरा यज्ञ देवताओं के लिए हवन करना। बहुत बड़ा हवन नहीं करना, प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए कि हमें 11 आहुति, 21 आहुति देवताओं के नाम से अग्नि नारायण में डालनी। अब आपको नहीं पता हवन कैसे बनाया जाता है, जो हवन सामग्री, कोई बात नहीं, आप शक्कर और घी मिला के हवन कर सकते हैं, आप रोटी शक्कर और घी मिला के हवन कर सकते हैं, पर 11 आहुति देवताओं के नाम से आपको प्रतिदिन डालनी चाहिए। होमो देवो, तीसरा यज्ञ हवन करना। चौथा यज्ञ बलिर्भूतो, बलिदान करना। अब यहां पर बलिदान का मतलब क्या है? यहां पर बलिदान का मतलब ये नहीं होता कि बकरे काटना, मुर्गा काटना, मछली काटना, गाय काटना, ये बलिदान नहीं है, ये तो जीवों का शोषण है। बलिदान का अर्थ है जीवों का पोषण। बलिदान का मतलब बताया जीवों का पोषण, हमने अपनी जीव के स्वाद के लिए कर दिया जीवों का शोषण। बलिदान का अर्थ होता है जैसे नदी में मछलियां रहती हैं, किसी नदी के किनारे जाके कुछ दाने नदी में डालो, मछलियाँ खाएंगी। किसी पेड़ के नीचे जाके थोड़ी सी चीनी या आटा वगैरह डाल दो तो चींटियाँ और जो छोटे छोटे चींटे चींटियाँ वो खाएंगे, ये बलिदान है।
कौए को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, गौ माता को गोग्रास देना, ये बलिदान है। तो चौथा यज्ञ बलिर्भूतो, बलिदान करना। और पांचवा यज्ञ यज्ञो अतिथि पूजनम। पांचवा यज्ञ बताया गया अतिथि पूजन, अतिथि का सत्कार करना। शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव, जब हमारे घर में अतिथि देवता आए तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए। सबसे पहले जब अतिथि आए तो पहली बात का ध्यान कि तुरंत आसन दो, मतलब बिठाओ। जब वे बैठ जाए तो पानी दो। यदि भोजन के समय पे आए हैं तो भोजन के लिए पूछो, यदि करें तो कराओ। इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जिस घर में लोग अतिथि का सत्कार नहीं करते, उस घर में जो अतिथि आते हैं वे अपने पाप छोड़ जाते हैं और उस घर के सारे पुण्य लेकर के चले जाते हैं। इसलिए आजकल तो वैसे भी किसी को किसी के घर में जाने का टाइम नहीं है, लोग आते हैं कम समय के लिए आते हैं। तो जब अतिथि आए तो अतिथि का सत्कार अच्छे से करो कि हमारे घर देवता आए हैं। यज्ञो अतिथि पूजनम, पांचवा यज्ञ बताया गया अतिथि का सत्कार। ये पांच यज्ञ बताए गए शास्त्रों में जो व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए और हम कर सकते हैं। इन यज्ञों को करने से हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, कुछ अच्छा ही होगा और हमें कुछ मिलेगा। तो नैमिषारण्य में 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धूम्र से संसार का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो रहा है, और दूसरी ओर श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। पृथ्वी पर बैठे हुए सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कहा, अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हुए हैं, किंतु आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो तेज है, वो कोटि सूर्य सम प्रभो, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए सूताख्या ही, हे सूत जी महाराज, आख्या ही कहिए। क्या कहिए? कथा सारम, कथा कहिए, और उसमें भी कथा सारम, कथा का सार कहिए। तो कहा, कैसी कथा, कैसा कथा का सार? मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा जो हमारे कानों को ताकत दे, बल दे, शक्ति प्रदान करे, चैतन्यता दे, ऐसी पावन और अमृतमयी कथा आप हमें श्रवण कराने की, आप हमें सुनाने की कृपा करें। ये निवेदन किया श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को। और जब निवेदन किया उस समय सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज की बात सुनी। सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। बड़ी सुंदर बात बताई कि कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कीरेण भासितम, एक तोते के मुख से, एक पक्षी के मुख से निश्चरित हुई। अब आप बताइए, कभी पक्षी कथा कहता है? बिल्कुल नहीं। पर भागवत की कथा पक्षी ने कही,
अब कैसे गई ये तो आप सब जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय अचानक माँ पार्वती के मन में एक बात आई। बात ये आई कि प्रभु, मैं भगवत कथा सुनना चाहती हूं। महादेव ने कहा, देवी आज आपने जो बात कही है वो तो बड़ी प्यारी कही है, संसार के हित की कही है, लोक कल्याण की कही है, बड़ी अच्छी बात कही है आपने, तो बताइए आप क्या सुनेंगी। माँ पार्वती ने कहा, भगवत कथा सुननी है। भगवान शंकर माँ पार्वती को एक गुफा में ले गए, पद्मासन लगा के कुछ आसन पर बैठे, जगदम्बा को अपने सामने बिठाया, नेत्र बंद करके महादेव ने कथा कहना प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद, कुछ समय तक मैया पार्वती ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद वे सो गई। उस गुफा में एक तोता बैठा था, वो ये सब देख रहा है, विचार करता है कि मैया तो सो गई है, अब हुंका कौन देगा। हुंका का अर्थ है हुहा कौन करेगा। यदि हुंका देना बंद होता है तो कथा भी बंद हो जाएगी, और कथा बंद हो गई तो मैं चूक जाऊंगा, इसलिए तोते ने हुहा करना प्रारंभ कर दिया। अब जब कथा संपन्न हुई, महादेव के नेत्र खुले, सामने देखा तो पार्वती सो रही थी। तुरंत मन में भाव आया कि जब जगदम्बा सो रही है, हुंका कौन दे रहा था। नेत्र चारों तरफ घुमाए, एक तोता डर के कारण उड़ा और भागा। भगवान शंकर ने तुरंत अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि इस तोते का वध करो। तोता आगे आगे और त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय था। बाबा वेद व्यास की पत्नी आश्रम के बाहर खड़े होकर के जमहाई ले रही थी। तोता वायु रूप में आया, मुख में घुसा और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, सोचता है महादेव ने एक को मारने कहा है, इन्हें मारूंगा तो दो मृत हो जाएंगे, क्या किया जाए। तोता खड़ा खड़ा सोचता है क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और सोचते सोचते त्रिशूल सोचता रहा, खड़ा रहा। जब काफी विलंब हुआ, भगवान शंकर स्वयं आए, वे भी खड़े होके इंतजार करते रहे, तोता पेट से बाहर नहीं आया। अंत में भगवान शंकर ने, जब 12 वर्ष बीत गए और वेद व्यास जी की पत्नी को पेट में पीड़ा होने लगी, तब 12 वर्ष के बाद भगवान शंकर ने उस तोते को वचन दिया कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया, भीतर गया, एक पक्षी के रूप में, एक किरण के रूप में, एक तोते के रूप में, लेकिन बाहर आया एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम रखा गया श्री सुखदेव जी महाराज। और श्री सुखदेव जी महाराज ने यही श्रीमद् भागवत की कथा फिर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुनाई। इस तरह से भागवत जी में सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। गर्भ से बाहर आए और आते ही भगवान सुखदेव ने भागना शुरू कर दिया, भागने लगे। और जब भागना शुरू कर दिया तो सुखदेव जी महाराज भागते 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 जंगल तरफ निकल गए। यहाँ वेद व्यास जी परेशान है कि मेरा पुत्र जन्म लेते ही भाग रहा है, और वेद व्यास जी चिंतित हैं कि अभी तो इसका कोई संस्कार नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो, जन्म से सभी शूद्र हैं। संस्कार के बाद हम अपने मूल वर्ण को प्राप्त करते हैं। तो कहा जन्म ना जाए थे शूद्र, इसका कोई संस्कार नहीं हुआ, ये भागने लगा। वेद व्यास जी पीछे पीछे भागते हैं, पुत्र रुको पुत्र रुको पुत्र रुको पुत्र रुको, पर सुखदेव कहां सुनने वाले, परम बैरागी।
अंत में जब सुखदेव जी नहीं रुके, वेद व्यास जी लौट आए, पर मन में बात आई कि व्यक्ति जन्म से ज्ञानी हो सकता है पर वैरागी नहीं हो सकता। वैराग्य के लिए ज्ञान की जरूरत है, वैराग्य बना रहे उसके लिए जीवन में ज्ञान भी चाहिए। तो वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और उन्हें भागवत जी के दो श्लोक बताए कि इन दो श्लोकों का उन जंगलों में जाकर के स्वर के साथ गायन करो जिन जंगलों में सुखदेव इस समय भ्रमण करते हैं। शिष्य पहुंचे, स्वर के साथ भागवत के दो श्लोकों का जोर जोर से गायन करना प्रारंभ किया। पहले दिन जब श्लोकों की ध्वनि सुखदेव जी के कानों में जाकर के पड़ी, उस समय सुखदेव जी भाव विभोर हो गए। दूसरे दिन भाव बहवल हो गए। तीसरे दिन सुदबुद खो बैठे और चौथे दिन अपने आप को रोक नहीं पाए और पहुंचे उन शिष्यों के पास और कहते हैं कि ये श्लोक आपने कहाँ से सीखे, हमें भी सिखाओ। उस समय शिष्यों ने कहा कि ये हमारे गुरुदेव ने हमें बताए हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि मुझे भी अपने गुरु जी के पास ले चलो, कौन है तुम्हारे गुरु? उस समय सुखदेव जी को उनके गुरु जी मतलब कृष्ण द्वैपायन बाबा वेद व्यास जी के पास ले जाया गया। तब वेद व्यास जी सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन कराते हैं और ज्ञान का उपदेश देते हैं। इस तरह से सुखदेव जी महाराज के जीवन में भागवत की कथा का आगमन हुआ। ऐसे सुखदेव जी महाराज के जीवन में भागवत की कथा आई। अब सुखदेव जी का जन्म हुआ, उनका जंगल की ओर भागना, फिर वापस आना और भागवत का अध्ययन करना। आगे श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं और बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। पहली भक्ति बताई गई श्रवणम। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। सुनना कई प्रकार से होता है। एक सुनना होता है कानों से सुना, हृदय में रखा और जीवन में उतारा। दूसरा सुनना होता है कानों से सुन लिया और हृदय में रख लिया। तीसरा सुनना होता है एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला। आज लोग ये तीसरे प्रकार के सुनने को ज्यादा पसंद करते हैं कि एक से सुन भी लिया पर एक से सुना और दूसरे से निकाल लिया। सुनना का सुनना हुआ और निकालना का निकालना। पर ऐसी कथा सुनने से कोई सार तो है नहीं, तो इससे अच्छा ये है कि कथा सुन के आप अपना समय मत व्यर्थ करो। 3 घंटे बैठते हो, 4 घंटे बैठते हो, पर क्या सुना और दूसरे से निकलना चाहिए। अंग अंग मतलब आंखें बंद हो, कानों में कीर्तन गूंज रहा हो, नाक से जब श्वास ले रहे हो तो श्वास में भी कीर्तन की ध्वनि चल रही हो, मुख जोर जोर से कीर्तन गा रहा हो, हाथ ताली बजा रहे हो और पैर उस कीर्तन में नृत्य कर रहे हो। कीर्तन में व्यक्ति का अंग अंग लग जाना चाहिए। जैसे ध्रुव जी ने कीर्तन किया, जैसे प्रहलाद जी ने कीर्तन किया, जैसे मीरा ने कीर्तन किया, जैसे अनेक भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, कीर्तन करें। मीरा तो ये तक कहती थी, जब मीरा कीर्तन करती थी तो मीरा कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ये कहती थी। मीरा भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त थी कि जब मीरा का विवाह हुआ और विवाह के बाद जब मीरा अपने ससुराल में आई तो वे इतनी बड़ी कृष्ण भक्त थी कि
उनकी भक्ति से लोगों को जलन होने लगी, उनके पति डरने लगे, उनके घर परिवार के लोग घबराने लगे कि ये क्या है। और ये हुआ कब? मीरा जी की जो एक ग्रंथ है, मीराबाई का ग्रंथ, उस ग्रंथ में वर्णन आता है कि जब मीरा छोटी थी तो उन्होंने एक बारात देखी। बारात मतलब दूल्हा जा रहा है ब्याह करने। तो मीरा अपनी माँ से कहती है कि मेरा दूल्हा कौन है, मुझे भी दूल्हा चाहिए। अब छोटा सा बच्चा 4-5 वर्ष का कहे कि मुझे दूल्हा चाहिए तो माँ हंसेगी। तो हंसते हुए माँ ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के तरफ इशारा कर दिया और कहा कि तेरा दूल्हा ये है। और जब मीरा को 4 या 5 वर्ष की उम्र में बताया कि तेरा दूल्हा ये है, मीरा ने जीवन भर के लिए उन्हें अपना बना लिया। और बस यही कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आपने सुना हो, सुने होंगे मीराबाई के पद पदावली में कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची है, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहते थे पागल हो गई है, बाबरी हो गई है, और भला बुरा कहते थे। सास कहती थी कुल को कलंकित करने वाली बहू आई है। उसके बाद भी मीरा पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण के नाम के कीर्तन में जोर जोर से नाचती थी। कीर्तन हो तो मीरा की तरह हो, कीर्तन हो तो प्रहलाद की तरह हो, कीर्तन हो तो ध्रुव की तरह हो। आज जब हम कीर्तन कराते हैं तो लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो, या ऐसे बैठे रहते हैं जैसे खाना खा के ना आए हो, भूख लगी हो। जब भूख लगी रहती है तो शरीर में सुस्तता आ जाती है, शरीर सुस्त सा कि मन नहीं लगता ना सुनने में, ना बोलने में, ना कीर्तन में। तो अभी जब मैंने कीर्तन कराया था तो कुछ लोग ऐसे बैठे थे जैसे भोजन नहीं मिलता। आपकी बहू घर में खाने नहीं देती क्या, कि आपके बेटे खाने नहीं देते? कीर्तन करो, कथा में आए हो, पंडाल में हो, अरे लोग तो पता नहीं क्या क्या गाते हैं और कहाँ कहाँ नाचते हैं, उसके लिए मना ही नहीं है, जीवन है, अच्छी बात है, खूब नाचो खूब गाओ। लेकिन जब पंडाल में आए हो तो इन चरण कमलों के सामने भी नाच लो। यदि यहाँ नाचोगे तो कहीं और नहीं नाचना पड़ेगा, यदि यहाँ गालोगे तो कहीं और नहीं गाना पड़ेगा, यदि यहाँ ताली बजा लोगे तो कहीं और ताली नहीं बजानी पड़ेगी। इसलिए अब कभी भी कीर्तन हो तो नाचो ना नाचो वो आपकी स्वेच्छा, लेकिन गाओ तो कम से कम इतनी जोर से कि भगवान तक, ठीक यज्ञ नारायण के मंडप तक आपके कीर्तन की गूंज हो जाए, आपके तालियों की गूंज सुनाई पड़ जाए। तो कीर्तन करना चाहिए, ये दूसरी भक्ति है कीर्तन, सरल भक्ति है। हम सोचते हैं भक्ति कैसे करेंगे, बहुत सरल है, श्रवणम सुनना है कथा, और जो बात अच्छी लगे उसे जीवन में धारण करो, आपका श्रवण सार्थक, आपने श्रवण भक्ति कर ली। कीर्तन, कीर्तन में ऐसे डूब जाओ कि नेत्र से आंसू बहने लगे, कानों में स्वर गूंजने लगे, नाक की श्वासों में कृष्ण नाम प्रवाहित होने लगे, मुख जोर जोर से कृष्ण कृष्ण कहने लगे, हाथ तालियां बजाने लगे और पैर अपने आप को भूल के थिरकने लगे। वही तो है कीर्तन। कीर्तन करो ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह कीर्तन करना चाहिए, दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है स्मरण, स्मरण करना, तीसरी भक्ति। स्मरणम, भगवान को याद करना। और भगवान को याद करने का कोई समय नहीं होता, होता है क्या? समय होता है? होता है। हमने एक टाइमिंग बना रखी, एक फिक्स टाइम है, सुबह जब हम नहाएंगे, नहाने के बाद जहाँ भगवान का मंदिर है मतलब घर पे जो देवालय है, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कुछ गुनगुना लिया, कुछ दीपक जला दिया, कुछ अगरबत्ती जला दी, याद कर लिया भगवान को,
फिर शाम को टाइमिंग फिक्स कर रखी है 5 से 7 के बीच में आरती पूजन, बस भगवान को याद करने का कोई समय नहीं है। स्मरणम, स्मरण याद तो हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई बेटा हो या बेटी, वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाए या काम करने के लिए आपका बेटा बाहर जाए, आप कानपुर में रहते हैं, बेटा दिल्ली में है, काम करता है, अब आपको बेटे को याद करना है, सिर्फ 2 बार याद करोगे दिन में कि सुबह कर लिया शाम को कर लिया फुर्सत? वो तो जब खाओगे तो याद आएगी, बनाओगे तो याद आएगी, सोगे तो याद आएगी, उठोगे बैठोगे नहाओगे हमेशा याद आएगी। क्यों? क्योंकि वो बेटा है। उसको याद करने के लिए किसी तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा है तो तस्वीर देखेंगे तब याद आएगी। भगवान के साथ यही तो है ना, जब मंदिर में है तो याद आती है, नहीं है तो अपने संसार में डूबे। जिस प्रकार से परिवार के लोगों को याद करने के लिए, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को याद करने के लिए किसी समय और किसी तस्वीर की जरूरत नहीं होती, कभी भी याद आती है, वैसे ही भक्त का भगवान से ये संबंध हो कि 24 घंटे में से कभी भी भक्त भगवान की याद करे। तीसरी भक्ति स्मरणम, स्मरण करना। चौथी भक्ति पाद सेवनम, चरणों को धोकर के, भगवान के चरणों को धोकर के वह जल पीना, पाद सेवनम। पांचवी भक्ति अर्चनम, अर्चन का अर्थ होता है प्रभु का श्रृंगार, जैसे स्नान कराना, फिर वस्त्र पहनाना, फिर तिलक लगाना, फिर माला पहनाना, आरती करना, भोग लगाना, षोडशोपचार से अर्चनम। पांचवी भक्ति वंदनम, वंदना करना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना, अर्चनम वंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति भगवान का दास बन जाना। आठवीं भक्ति सख्य, भगवान का सखा बन जाना, भगवान को अपना सखा मान लेना। सखा मतलब माता पिता, सखा विद्या धन, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, जो मानना चाहो वो सख्य। और नौवीं भक्ति बताई गई आत्मनिवेदन, मतलब अंतःकरण से आत्मा से परमात्मा को पुकारना। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण वेदव्यास जी करते हैं और इन 9 भक्तियों के द्वारा भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जीवन में 9 भक्तियां ही हों। मानस कहती है नवमौ एकौ जिनखे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से 1 भक्ति भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा और हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना परम आवश्यक है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए एक बार फिर क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। पर मैं आपसे इस बार कहूंगी कि ऐसे मत बैठना जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो। थोड़ी जोश होश और फुर्ती के साथ ताली सेवा और वाणी का सहयोग करते हुए भाव से सभी गाएं। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम। Yeah.
रंग में, होली रंग में चुनरिया, राम रंग में।
पर करके ताली सेवा करते हुए भाव से मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग की भक्ति का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। आगे वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक समय
सारे देवता स्वर्ग लोक में बैठ करके भारत भूमि की प्रशंसा कर रहे थे और भारत भूमि की प्रशंसा में कह रहे थे, गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि के गीत गा रहे थे और कह रहे थे कि भारत भूमि को धन्य है, भारत भूमि को धन्य है और भारत भूमि में रहने वाले लोगों को धन्य है। ऐसा क्यों कह रहे थे? तो कहा, देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं, गौतम जावाली व्यास वामदेव बाल्मीक कपिल कणाद से महान ब्रह्म ज्ञानी थे, अर्जुन से वीर अम्बरीश से महान भक्त हरिश्चंद्र कर्ण के समान यहाँ दानी थे, नारद से संत सती सीता अनुसूया सम सत्य सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे, ऐसा था हिंदुओं के भाग्य का अतीत काल, सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थे। देवता गीत गा रहे हैं कि भारत भूमि को धन्य है, इस भारत की पवित्र वसुंधरा में गौतम जावाली व्यास वामदेव बाल्मीकि कपिल और कणाद जैसे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, इस भारत की पवित्र वसुंधरा में सती सीता सावित्री अनुसूया जैसी देवियों ने पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति माताओं ने जन्म लिया है, इस भारत की वसुंधरा में कर्ण जैसे दानी हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी नारद जैसे संतों ने जन्म लिया है। देवता भारत की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और नारद जी ये सब सुन रहे हैं। अब जब नारद जी ने सुना कि भारत में ऐसे लोग हैं तो नारद जी को लगा कि जब भारत में इतनी पवित्रता है, जब भारत में इतना सत्य है, जब भारत में इतना दान है, इतना तप है, इतने सुंदर कर्म है, तो मुझे भी जाकर के ऐसे भारत की पवित्र भूमि का दर्शन करना चाहिए, मुझे भी भारत भूमि का दर्शन भारत भूमि का भ्रमण जरूर करना चाहिए। और नारद जी भारत भूमि का दर्शन और भ्रमण करने के लिए चल दिए। अब जब नारद जी चल दिए तो नारद जी पहुंचे पृथ्वी पर और पृथ्वी में भी भारत, और भारत में नारद जी सबसे पहले करते हैं तीर्थ यात्रा। नारद जी आए बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर काशी, फिर प्रयाग, फिर मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम इत्यादि सारे तीर्थों का नारद जी ने भ्रमण किया, पर नारद जी को शांति नहीं मिली, नारद जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? नारद जी को शांति इसलिए नहीं मिली, नारद जी मन में विचार करते हैं, नारद जी सोच रहे हैं कि हो सकता है कुछ आगे का क्षेत्र अच्छा हो। अब नारद जी आगे बढ़े तो नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भासिना। नारद जी ने ये देखा, सत्यम नास्ति सत्य नहीं है, तपः नास्ति तप नहीं है, शौचम नास्ति पवित्रता नहीं है, दयादानम नास्ति दया और दान भी नहीं है,
बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं। अपना पेट भरने के लिए धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं। नारद जी ने ये देखा, नारद जी को बड़ा बुरा लगा। अब फिर नारद जी आगे बढ़े, सोच रहे हैं शायद कुछ अच्छा देखने को मिले। लेकिन जब नारद जी आगे बढ़े तो अब इससे बड़े पाप देखे। कन्या विक्रयिणो लोभाद दंपतीनाम चकलकनम। जिस देश में जगदम्बा पराम्बा और भगवती मान करके कन्याओं का पूजन किया जाता था, आज उसी देश में उन्हीं कन्याओं के दंपति नाम माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के उन कन्याओं को बेच रहे। नारद जी ने ये देखा, नारद जी का दुख बढ़ गया। और ऐसे ही भारत भूमि का भ्रमण करते 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 नारद जी पहुंचे परम रम्य भूमि भगवती यमुना के तट पर। और यमुना के तट पर नारद जी देखते हैं एकातु तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे नश्वसन्तावचेतनौ। नारद जी देखते हैं कि यमुना के तट पर एकातु तरुणी तत्र एक जवान स्त्री बैठी हुई है। तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा, जो मन से खिन्न मतलब दुखी है। और जिस तरुणी के उस जवान युवती के बाजू में दो वृद्ध पड़े हुए हैं दोनों तरफ, जो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं और अचेतन है, बेहोश है। और उस देवी के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं। नारद जी ने ये देखा, अब नारद जी को लगा कुछ हो गया होगा, मुझे क्या, आगे बढ़ गए। क्योंकि जो अच्छे संत हैं वे स्वयं छिप करके रहते हैं और सदैव अपने कल्याण के मार्ग में लगे रहते हैं। तो नारद जी ने कहा, वैसे भी स्त्रियां हैं, मैं यहाँ रुक के क्या करूंगा, आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, वो स्त्री नारद जी को देख करके खड़ी हो गई और दोनों हाथ ऊपर करके कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशयो दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे नारद जी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। नारद जी क्षण भर के लिए रुक जाइए, तिष्ठ रुक जाइए। आपका दर्शन संसार के सभी पाप और संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक गए, पर मन में विचार करते हैं, अरे मैं से नहीं जानता, शायद ये मुझे भी नहीं जानती, इसका मेरे से कोई परिचय नहीं है, इसका मुझसे कोई परिचय नहीं है, इससे पूछना चाहिए कि ये है कौन। और नारद जी प्रश्न करते हैं, कासित्वं काविमौ चैमा का नार्या पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देवी आप कौन हैं, आपके बाजू में दो वृद्ध पड़े हुए हैं, ये दोनों आपके कौन हैं? ये सुंदर कमल के समान नेत्रों वाली देवियां आपकी कौन हैं? और हे देवी आपके कष्ट का कारण क्या है, सब विस्तार से बताइए। जिस तरीके से नारद जी प्रश्न करते हैं, वो भारत की देवी उसी तरीके से नारद जी को उत्तर देती है और अपने ज्ञान का परिचय देती है और बताती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। नारद जी, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ,
ऋतिक ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इमौ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों जो पड़े हुए हैं, तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानु, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ये सुंदर सुंदर जो देवियां आप देख रहे हैं, ये मुझे समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, सहारा देने के लिए, गंगा आदि जो पवित्र नदियां हैं, वे देवी का रूप बना करके आकर के मेरे पास बैठी। और नारद जी, मेरे कष्ट का कारण है समय की परिवर्तनशीलता। आप देख रहे हैं जिस उम्र में माँ को वृद्ध हो जाना चाहिए, माँ का बुढ़ापा आना चाहिए, उस उम्र में मैं जवान बैठी हूँ और मेरे पुत्र जब युवक रहना चाहिए, उनका बुढ़ापा आ गया है। मेरे कष्ट का कारण है समय की परिवर्तनशीलता। हे नारद जी, कृपा कीजिए और मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए, भक्ति निवेदन करती है। देखिए, समय बड़ा बलवान है। हम सोचते हैं कि ये मनुष्य बलवान है, ये मनुष्य ताकतवर है, ये मनुष्य शक्तिशाली है, पर ना ये मनुष्य बलवान है, ना ये मनुष्य शक्तिशाली है, ना ये मनुष्य ताकतवर है। शास्त्र कहते हैं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भील ने लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। ये कथा आप सबको पता होगी महाभारत की, महाभारत में भी, भागवत में भी। जब अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि जा रहे हो तो साथ में गोपियों को लेते जाओ। अर्जुन ने कहा, ठीक है प्रभु। पर भगवान ने कहा, अर्जुन, मार्ग में एक भयंकर जंगल पड़ता है, उस जंगल में बड़े बड़े भयंकर भील रहते हैं, बड़े खतरनाक है, यदि डर लगे तो वहां तक मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अर्जुन मुस्कुराए और बोले कि वाह कृष्ण, आप भी कैसी बात करते हैं। जिस अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीता है, क्या वो अर्जुन उन साधारण से वीलों से हार सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आता, आप भी कैसी बातें करते हैं कभी कभी। भगवान भी मुस्कुराए, कहा ठीक है जाओ। अर्जुन चल दिए। जब अर्जुन चल दिए, मार्ग में जब जंगल पड़ा, उस भयंकर जंगल में भीलों ने आकर के अर्जुन से गोपिकाओं को छीना। अर्जुन खड़े खड़े देखते रह गए, हाथ मलते रह गए। अर्जुन के धनुष बाण और अर्जुन का बल कुछ भी नहीं कर पाया। अर्जुन लौटे, हस्तिनापुर आए, उदास होके बैठे हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, अर्जुन उदासी का कारण क्या है? अर्जुन उत्तर देते हैं, तदवई धनुष्थ इकवा सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमंती सर्वम क्षणेन तदभूत सदीस रिक्तम भस्मन हुतम कुकराद मिवोक्त मूषा। हे बड़े भैया, आज मेरे पास वही मेरा गांडीव नाम का धनुष था जो महाभारत के युद्ध में था, वही बाण थे जो महाभारत के युद्ध में थे, वही मैं अर्जुन था जो महाभारत के युद्ध में था, वही घोड़े थे, वही रथ था, वही सब कुछ था। सब कुछ वैसा होने के बाद भी आज वह अर्जुन, जिसने बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया, उन साधारण से भीलों से हार गया। भैया, आज अर्जुन के धनुष से निकलने वाले बाण इस प्रकार से व्यर्थ चले गए, जैसे राख में डाली गई आहुति व्यर्थ जाती है, जैसे स्वार्थ से की गई सेवा का कोई फल नहीं मिलता, जैसे बंजर जमीन में बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही अर्जुन के धनुष से निकलने वाले बाण आज व्यर्थ में चले गए, समय की परिवर्तनशीलता के कारण। तो जिसने भी ये लिखा, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलनी लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। समय परिवर्तनशील होता है, समय बलवान होता है। आज भक्ति नारद जी से कहती है कि नारद जी, समय के बलवान और परिवर्तनशील होने के कारण आप देख रहे हैं, मैं जवान बैठी हूँ और मेरे पुत्रों का बुढ़ापा आ गया है।
नारद जी कृपा करो और इन्हें ठीक कर दो, जगा दो, उठा दो। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अनुनय विनय करती हूँ, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। भक्ति ने बार बार निवेदन किया, प्रार्थना की, और जब बार बार निवेदन किया, बार बार प्रार्थना की, नारद जी को दया आ गई और नारद जी भक्ति से कहते हैं, ज्ञाने नाथ मनि पश्यामी सर्व में तत्तवा नघे ना विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यति। देवी चिंता मत करो, क्योंकि मैं मेरे ज्ञान से मैं अपने हृदय में देखता हूं कि तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। चिंता मत करो, हरि ही शमते करिष्यति, श्री हरि नारायण सब ठीक कर देंगे। नारद जी ने भक्ति को बार बार समझाया, और जब नारद जी ने भक्ति को बार बार समझाया, भक्ति को कुछ शांति की प्राप्ति हुई, भक्ति को कुछ अच्छा लगा, कुछ चैतन्यता आई, और फिर भक्ति नारद जी से कहती है कि हे नारद जी, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलयो ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम् शकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रम्। हे नारद जी आपकी जय हो, हे नारद जी आपकी जय हो, संसार में आपकी जय जयकार हो रही है। क्यों? कहा वचन रचन मेकम, वचन मतलब बात, रचन मतलब सुंदर, मेकम मतलब एक, एक सुंदर बात बता करके, ध्रुव पद्मपि यातो, आपने एक छोटे से बालक ध्रुव को निश्चित स्थान प्राप्त कराया। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको नतमस्तक होकर के बार बार प्रणाम करती हूँ। जिस तरह से आपने ध्रुव को द्रौपद दिलाया, मेरा निवेदन है मेरे और मेरे पुत्रों के कष्ट को दूर कर दीजिए। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के प्रयत्न किए, विचार किया, शायद इनके दिमाग में शून्यता बैठ गई है। कान में मुख लगा के जोर से चिल्लाया, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य जागो। नहीं जागे। सोचा गर्मी बढ़ गई है, पानी डाला, नहीं जागे। फिर कान में शंख बजाई, घंटी बजाई, वेद ध्वनि की, गीता पाठ किया, नहीं जागे। जागे लेकिन आलस्य के कारण फिर से सो गए। फिर उनकी स्थिति पहले जैसी। अब नारद जी चिंतित हैं। नारद जी की चिंता को देख के भगवान ने आकाशवाणी कर दी, व्योम बाणी तदई बाभून मार से खिद्यता मिति उद्यम सफलस्ते यम भविष्यति न संशया। भगवान ने आकाशवाणी की कि हे नारद जी, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने के आप प्रयत्न कर रहे हैं वो जागेंगे, लेकिन आपको संत श्रोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी की चिंता बढ़ गई कि जब भगवान को बताना था कि संत श्रोमणियों से मिलो, तो कम से कम नाम भी बता देते कि वे संत श्रोमणि कौन हैं, उनका नाम क्या है, दिखते कैसे हैं, ये भी बताते। कुछ भी नहीं बताया, कह दिया संत श्रोमणियों से मिलो, अब मैं किससे मिलूं जाके। ऐसे नारद जी चिंतित हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। आगे बढ़े, नारद जी को कुछ संत मिले। नारद जी ने उनसे प्रश्न किया कि मेरी भक्ति के दोनों पुत्र अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, आप उन्हें जगा दीजिए। कलयुग के वे कलयुगी संत उस बात को टाल करके मटोल के आगे बढ़ गए। कुछ संत फिर मिले, मौन रह गए। कुछ फिर मिले, उन्होंने कहा असंभव। कुछ फिर मिले, उन्होंने कहा होगा पर कठिन है। अब नारद जी चिंता करते 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 बद्री का आश्रम में पहुंचे और विचार कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ बैठ करके तपस्या करूंगा।
अब नारद जी जब बद्री का आश्रम में आए तो भाग्यवान थे कि नारद जी को संत श्रोमणियों का दर्शन हुआ। संख्या थी चार, उम्र थी करोड़ों वर्ष, पर दिख रहे हैं 5 वर्ष के बच्चे की तरह, और नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों का नारद जी ने दर्शन किया, बार बार दर्शन किया, बार बार दर्शन किया, प्रार्थना की, निवेदन किया, प्रणाम किया। सनत कुमार आदि ऋषि समझ गए कि नारद जी चिंतित हैं। देखते ही नारद जी से कहा, माँ चिंता गुरुदेवर से हर सम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एवहि। हे देवर्षि नारद, माँ चिंता कुरु देवर से, चिंता मत करो, हर सम चित्ते, अपने चित्त में, अपने हृदय में हर्ष लाओ, प्रसन्नता लाओ। ज्ञान वैराग्य को जगाने के आपने जो प्रयत्न किए हैं, जो उपाय किए हैं, वे सफल होंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ करना है, और क्या करना है वो आप जानते हैं पर आप भूल गए हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। और सनत कुमार आदि ऋषियों ने कहा कि यज्ञ तो बहुत से हैं, लेकिन बहुत से यज्ञों में 4 यज्ञ श्रेष्ठ हैं, और उन 4 यज्ञों में 1 यज्ञ श्रेष्ठ है, जिसे कहा गया सप्ताह ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा। तो कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा सत गीता सुखाद्यभिः। आप ज्ञान वैराग्य को सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कराइए, सुनाइए। नारद जी तैयार हुए, पर नारद जी प्रश्न करते हैं कि ये कार्य मुझे कहाँ करना है। प्रत्येक कार्य के लिए स्थान निश्चित है, जैसे हम भोजन पकाते हैं रसोई घर में, सोते हैं शयन कक्ष में, नहाते हैं स्नान कक्ष में, पूजा करते हैं देवालय में, पढ़ते हैं विद्यालय में, उसी प्रकार से यदि भागवत की कथा घर पर कराई जाती है, 1 गुना फल मिलता है। मंदिर में होती है, 10 गुना फल मिलता है। पर यदि यही कथा माँ गंगा और माँ नर्मदा के पावन तट पर कराई जाए तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती। ये तो कह दिया कि गंगा के तट पर भागवत सुनो तो अनंत गुना फल। अब आप भाग्यवान, आपका कानपुर गंगा तट पे, पर सभी थोड़ी भाग्यवान है कि सबको गंगा तट और नर्मदा तट मिल जाए। तो कहा कि ऐसे लोग क्या करें जो गंगा तट और नर्मदा तट पे भागवत नहीं सुन सकते, या यमुना तट पे भागवत नहीं सुन सकते, ऐसे लोग क्या करें। तो कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ फिर गंगा तट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, क्षिप्रा, गंडकी आदि सभी पवित्र नदियां उस स्थान पर अदृश्य रूप में आकर के विराजमान हो जाती हैं। ये भागवत की कथा का महत्व है, अपने आप आ जाती है। पर गंगा तट पे नहीं जाना, भागवत गंगा तट बन जाता है, भागवत ही नर्मदा तट, यहाँ तक कि स्वयं समुद्र देवता अदृश्य रूप में आकर के इस भागवत की कथा को सुनते हैं। ऐसी है ये भागवत की कथा। तो कहा, नारद जी आप स्थान पूछ रहे हैं कि कहाँ कराएं, तो हम आपको बताते हैं। श्रृणु नारद वक्ष्यामो, नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदना। नारद जी सुनिए, आप बड़े विनम्र हैं, विवेकी हैं, इसलिए हम आपको बताए देते हैं कि गंगा द्वार समीपे तु
अब वेद व्यास जी ने कहा गंगा द्वार, गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को, पर हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हरिद्वार का अर्थ है हरि तक जाने का मार्ग, मतलब बद्रीनाथ, हरि का द्वार बद्रीनाथ, हरि तक जाने का द्वार। और हरिद्वार को हरिद्वार भी कहते हैं, हरिद्वार मतलब शिव तक जाने का मार्ग। बद्री हरिद्वार से ही केदारनाथ जाते हैं, हरिद्वार जो स्थान है वहीं से बद्रीनाथ जाते हैं और वहीं से केदारनाथ जाते हैं। तो कहा यदि हरिद्वार लिखा तो हरि के भक्त प्रसन्न हो जाएंगे और हर के भक्त नाराज, और हरिद्वार लिखा तो हर के भक्त प्रसन्न और हरि के भक्त नाराज। तो कहा ना हरिद्वार ना हरिद्वार, गंगा द्वार। गंगा द्वार, गंगा मैया तक जाने का मार्ग भी हरिद्वार से जाता है, जिसे हम गंगोत्री कहते हैं। तो कहा गंगा द्वार समीपे तू, अर्थात गंगा द्वार में, हरिद्वार में, हर द्वार में, समीपे तू, समीप में, तटमानंद नाम कम। गंगा का जो आनंद नाम का घाट है वहां पर ये भागवत की कथा आप श्रवण कराइए ज्ञान और वैराग्य को। नारद जी से कहा सनत कुमारों ने, नारद जी ने सनत कुमारों की बात मानी, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट में भागवत की कथा का अनुष्ठान प्रारंभ किया। और जब भागवत की कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो बिना बुलाए योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलिजन्नु मुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्ता। बिना बुलाए योगेश्वर, पराशर, व्यास, जाजली, जन्नू आदि आदि ऋषि मुनि आने लगे बिना बुलाए, किसी ने बुलाया नहीं और अकेले नहीं आए। स्वस्त्री, स्वस्त्री मतलब अपनी अपनी पत्नी, स्वस्त्री पत्नियों के साथ, शिष्य और पुत्र समेत। पुत्र शिष्यों को क्यों लाए? इसलिए लाए कि बच्चों में संस्कार बचपन से डाले जाते हैं, इसलिए पुत्र शिष्यों के साथ। पत्नी को क्यों लाए? इसलिए लाए क्योंकि पत्नी जो है, शास्त्र कहते हैं इन चार स्थानों में पति के साथ पत्नी का और पत्नी के साथ पति का होना जरूरी है। पहला स्थान हवन यज्ञ में आप बैठे हैं तो पत्नी होनी चाहिए, यदि आप गृहस्थ हैं तो। तीर्थ यात्रा में जा रहे हो पत्नी को साथ ले जाओ, किसी उत्सव में जा रहे हो तो पत्नी को साथ में ले जाओ, कथा सुन रहे हो तो पत्नी के साथ सुनो। क्यों? क्योंकि जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो माँ सीता नहीं थी। ऋषि मुनियों ने कहा राम आप यज्ञ तो कर रहे हैं पर यज्ञ का फल नहीं मिलेगा क्योंकि माँ सीता नहीं है। उस समय ऋषि मुनियों की सहमति और सम्मति से राम जी ने भगवती सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवा के बामांग में स्थापित किया, तब राम जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। तो प्रत्येक शुभ कार्य में पत्नी का साथ होना जरूरी है, नहीं तो उस कार्य का फल नहीं मिलता। इसलिए जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वे भी, गौतम, जावाली, व्यास, वामदेव, वाल्मीकि, कपिल, कणाद जैसे ऋषि मुनि अकेले नहीं, स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्ता, पुत्र शिष्य और पत्नी समेत गंगा के तट पर आए और भागवत की कथा श्रवण करने लगे। इसी कथा में पहला आश्चर्य होता है, वेद व्यास जी ने लिखा भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन। जो भक्ति, जो ज्ञान वैराग्य,
अचेतन स्थिति में पड़े हुए थे, जिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा आ गया था, जो भक्ति दुबली पतली और कृशकाय हो गई थी, आज जब भागवत के श्लोकों की ध्वनि इनके कानों में पड़ी तो भक्ति स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए और दौड़ते हुए श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए भागवत की कथा में सबसे आगे जाकर के बैठे। पहला आश्चर्य और दूसरा आश्चर्य ये हुआ, भगवान ने जैसा कहा है अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौककी निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्त भक्त सला। भगवान ने कहा कि जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो अपने निजधाम बैकुंठ का त्याग कर मैं अपने भक्तों के पास दौड़ता भागता हुआ चला आता हूँ, निजलोकम अपने निजधाम को छोड़ के आता हूँ। आज ऐसा ही हुआ, जब गंगा के तट पर भागवत की कथा प्रारंभ हुई, 5 वर्ष के बाल कृष्ण के रूप में वहां पर प्रभु का आगमन हुआ। पैरों में घुंघरू वाली पायल है, कमर में करधन है, रेशमी पीला पीतांबर है, मोर मुकुट है, लड़ियां लटक रही हैं, कानों में कुंडल है, सुंदर कपोल सुंदर नेत्र सुंदर नासिका सुंदर अधर सुंदर दंतावली, मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराते हुए बाल कृष्ण चले आ रहे हैं और आकर के सनत कुमार सभी ऋषि मुनियों के बीच में से आए और आकर के भागवत जी में विराजमान हो गए। कहने का भाव यह है, जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कथा के प्रथम दिवस स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं और आकर के भागवत जी में विराजमान हो जाते हैं। तो आज कथा का प्रथम दिवस था, आज की पावन कथा मैं यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे की कथा हम कल पुनः श्रवण करेंगे। कथा का समय 3 बजे से 7 बजे तक का रखा गया है, इसलिए 3 बजे आप पंडाल में उपस्थित हों, उसके पश्चात 7 बजे तक हम बड़े भाव से भगवत चर्चा का आनंद लेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे सामने उपस्थित हैं परम आदरणीय श्री बालकानंद जी महाराज, श्री जेके मिश्रा जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री राम गोपाल द्विवेदी आचार्य श्री, अशोक शुक्ला जी, अखिलेश दीक्षित जी, खीरा द्विवेदी जी, पूत मिश्रा जी, पप्पू शर्मा जी, शरद जी, अरुण त्रिवेदी जी, इंजीनियर साहब, आदर्श दीक्षित जी, संतोष शुक्ला चच्चू जी, अनिल तिवारी जल संस्थान प्रमुख,
एनडी द्विवेदी टापर कोचिंग ये सभी सज्जन आज की मंगल आरती में व्यासपीठ के समीप आए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके साथ ही आज अपनी अमृत वाणी से दो शब्द का उद्बोधन मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री बालकानंद जी स्वामी जी उपस्थित हैं, जो अपने आप में एक महान गौरव के धनी हैं, वे दो शब्द बोलने का कष्ट करें। हेलो, बोलिए भगवान की, श्री भागवत भगवान की। आज बहुत ही खुशी की बात है, गुजैनी क्षेत्र दबौली रतनलाल नगर आपके बीच में, कानपुर में गुजैनी छोटा सा है। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले गुजैनी के दूर दूर लोग नहीं जानते थे। जब कोई हमसे मिलने के लिए आते थे, हम पूछते थे गुजैनी आना है, बताया करता था गुजैनी जाना है, गुजैनी कहाँ है, कानपुर में कहाँ है, लोग पूछा करते थे। श्रीमद् भागवत माध्यम के बहुत दूर दूर तक के लोग गुजैनी दबौली को जानने लगे हैं, क्योंकि आस्था चैनल पर एक साले दो साल से आस्था चैनल पर गुजैनी गांव, गुजैनी कॉलोनी कानपुर में कहीं है लोग जानते हैं। जब से चिन्मयानंद बापूजी का आयोजन गुजैनी में होने लगा तो दूर दूर से हमारे पास फोन आता था, उसमें नंबर चलता था कि गुजैनी कहाँ है, कानपुर में किस कोने में है। अब आज इस वर्ष जनवरी में भी फोन आज दूर दूर से आया तो लोग जानते थे कि पर्सल आपने गुजैनी में करवाया था। इस बार तो पूज्य साध्वी जी के माध्यम से अभी टीवी पर नहीं आया, लेकिन हर जगह मोबाइल में अभी कथा आ रही है, तो बड़ी खुशी की बात है, गुजैनी क्षेत्र के गर्व की बात है कि इतने बड़े बड़े आयोजन आप लोगों के सहयोग से यहाँ संपन्न होने लगा इस गुजैनी में, जे ब्लॉक पार्क में। अब जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक बार सुन लेता है, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। आप लोगों ने तो कितने बार इस पार्क में सुना और सुनते रहेंगे। अब आरती के टाइम हो गया है, 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है 2 बजे पर आ जाए, 2 बजे आ जाएंगे और 2:30 पर मंच पर साध्वी दिया जाएंगी 6:30 बजे तक। 6:30 बजे आरती हो जाएगी, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, उनको भी जाने में दिक्कत होता है। आरती, प्रथम आरती जो 2:30 पर आरती है 2100 जो शुल्क है आरती का, और शाम काल की आरती लास्ट आरती 1100 की। जो भी भक्त आरती करना चाहते हैं आप यज्ञ कमेटी में समिति में नाम नोट करवाएंगे और उसके पश्चात मंच पर आकर भागवत भगवान की आरती करेंगे। अभी जैसे कि हमारे पंडित जी ने, पूज्य पंडित जी ने नाम विचारा अभी अनाउंस किया, तो सभी लोग आ जाएंगे मंच पर आरती के लिए, जैसे विनोद मिश्रा जी हैं, श्री राम गोपाल द्विवेदी जी हैं, हमारे विनोद मिश्रा जी और राजन गुप्ता जी हैं, वो मिश्रा जी हैं, और भैया जी दुबे जी हैं, नाम सबको बुला चुके हैं, सभी लोग आएंगे एक एक करके, और आरदास दीक्षित जी हैं, सभी लोग आ जाएंगे, जिनका नाम बुलाया गया है सभी लोग आएंगे, और शुक्ला जी हैं, सभी लोग एक एक करके आएंगे, सब लोग एक साथ आ जाए, आ जाइए यार मंच पर आ जाए आरती के लिए, आइए। और रोज की कथा आपको पेपर न्यूज में पढ़ने के लिए मिलेगी, थोड़ा सा जैसे दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, सभी न्यूज पेपर में आपको कथा पढ़ने के मिलेगी। बोलिए भगवान की। अब सब लोग ठार हो जाएं। श्री
देवा के बिहारी तेरी आरती गा आत्माभिवंदनम् मंत्र पुष्पांजलि
ओम जगनेन जगनवय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जद्र